हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल्स या पा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि, तो आज रात के एपिसोड में संजय यहां पर क्रिश के बारे में पूछेंगे। संजय कहेंगे क्रिश का एक एक्सीडेंट हो गया है, क्रिश दरवाज़ा खोलेगा। अभिनय डिसाइड करेगी, वो क्रिश की मदद करेगी। संजय वॉर्न करेंगे काजल को और वो कहेंगे कि आप काजल तुम कोई और गलती मत करना। काजल सोचती है कि वो क्रिश को लॉक करेगी क्या। रूही यहाँ अरमान को बुलाती है, अरमान एक एक्सक्यूज बना देता है। रूही सोचती है कि आखिर अभीरा अरमान कर क्या रहे हैं। क्रिश यहाँ पर अभीरा से कहता है दरवाज़ा खोलें। अभीरा कहती है कि हाँ क्रिश खोलो, कोई बात नहीं। संजय यहाँ पर इनॉग्रेट करता है अपनी विंग। अरमान और अभीरा डांस करते हैं। रूही सोचती है अभीरा के प्लान के बारे में। क्रिश तभी स्टेज पर जंप करता है और वो अपने डांस स्किल फ्लॉन्ट करता है। संजय विद्या बहुत गुस्सा में आ जाते हैं। विद्या कहती है कि क्रिश ने तो हमारी रेपुटेशन का मजाक उड़ा दिया, हर कोई तारीफ करता है और ताली बजाता है क्रिश के लिए। संजय बहुत ही गुस्से में क्रिश की ओर बढ़ता है। अभीरा जान करके संजय के पैर के नीचे कुछ डाल देती है जिससे उसका पैर स्लिप होता है और वो सीधा क्रिश के गले लगता है। अरमान यहाँ पर संजय को वॉर्न करता है, वो कहता है कि आप सबके सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करेंगे। लोग यहाँ पर क्रिश की बहुत तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कावेरी से कि क्रिश क्या डांसिंग में करियर बनाएगा। विद्या कहती है कि क्रिश अपना डांस में ही करियर बनाएगा। क्रिश यहाँ पर विद्या की ब्लेसिंग लेता है। विद्या कहती है कि क्या आप सपोर्ट करेंगी क्रिश को। क्रिश, अभीरा, अरमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं बाकी सबके रिएक्शन से। विद्या सोचती है कि अभीरा ने यहाँ पर उसे पहले की तरह ही ट्रैप करने की कोशिश की। वो अनाउंस करती है कि क्रिश बहुत ज़्यादा पैशनेट है डांसिंग के लिए, इसलिए वो अपने बिल खुद चुकाना चाहता है। क्रिश अभीरा को देखता है। क्रिश कहता है कि हाँ, अदर देन फैमिली सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अरमान अभीरा से कहता है कि तुमने दरवाज़ा खोला कैसे। क्रिश थैंक्स कहता है अभीरा को और अरमान को। तभी वो यहाँ पर एज अ टोकन ऑफ लव उसे कुछ गिफ्ट देता है। क्रिश थैंक्स कहता है अभीरा को उसे हमेशा इंस्पायर करने के लिए और वो नटराज की आइडल देते हैं यहाँ पर अभीरा को। क्रिश यहाँ पर एक शू देता है अरमान को एज अ गिफ्ट। अरमान भी यहाँ पर इमोशनल हो जाता है। देव यहाँ पर चारू से कहते हैं क्रिश कहाँ है। चारू यहाँ पर प्रेज करती है और बहुत ज़्यादा तारीफ करती है अभीरा की। वो कहती है देव को कि अभीरा ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी कि दादी माँ मना ही नहीं कर पाई क्रिश को डांस करता देखने की और उसके करियर चूज़ करने की। देव यहाँ पर चारू के साथ फ्लर्ट करता है। अरमान काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस है। अभीरा अरमान को कंसोल करती है। वो कहती है कि अरमान, जो भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझसे बोल सकते हो। अभीरा कहती है कि प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम्हें आज तक यहाँ पर इतना प्यार मिला ही नहीं जो तुम डिज़र्व करते हो, इसीलिए इस पर तुम्हारा हक है। अरमान अभीरा को थैंक्स कहता है, बहुत इमोशनल है। वो कहता है कि तुम हमेशा मेरी फैमिली के बारे में सोचती हो और मैं तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं कर पाता। और वो अभीरा के गले लगता है और उसे सर पर किस करता है। रूही इन दोनों को देखती है और काफ़ी ज़्यादा शौक में है क्योंकि रूही अभीरा के लिए सॉरी केक लेकर के आती है, लेकिन इन दोनों को इतना नज़दीक देख कर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है। अपकमिंग ट्रैक में वही सेम प्रीकैप दिखाया जाएगा कि अभीरा को पता चलता है कि उसके इस घर में सिर्फ वही नहीं है जो अक्षरा के बारे में सोच रही है, कोई और भी है जो कि अक्षरा का वेल विशर है। आखिर कौन, कैसे पता चलेगा, अभीरा को देखना होगा। काफ़ी खास। फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।